अब हमें सुनने में आ रहा है, पहले भी सुनने में आया कि ओसामा बिन लादेन शहीद हैं। मूव की जिससे हमारी मुसल्ला अफवाज ने फिर कुर्बानियां दे दे के अलकायदा को पाकिस्तान की सरजमीन से खत्म किया है, और ये खत्म किया और ये अमरीकनों ने एक्नॉलेज किया। मैं उस वक्त एम्बेसडर थी 2012 में जब अलकायदा के बारे में कहा गया और हमने कहलवाया अमरीकनों से और नेटो से कि बोलो इसमें पाकिस्तान का किरदार है, क्योंकि हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं, रोज हमारे फौजी और इसमें कुर्बानी देते हैं, शहीद होते हैं, और रोज हमारे बिल्कुल इनोसेंट सिविलियंस भी, चाहे वो दरगाह हो या स्कूल में कुर्बानी देते हैं। अब हमें सुनने में आ रहा है, पहले भी सुनने में आया कि ओसामा बिन लादेन शहीद हैं। कौन सी शहादत होती है इस्लाम में जब आप बच्चों को, औरतों को, लोगों को इस तरह हलाक करते हैं, टेररिज्म का हदफ बनाते हैं? ये तो तय हो चुका था पाकिस्तान में। ये कौन सी मदीना की रियासत है जहां इस तरह के टेररिस्ट को, दहशतगर्द को, जो इस्लाम के बिल्कुल मुतरादिफ है, उसको आप एक दर्जा दे रहे हैं शहादत का? कभी नहीं भूलता एक वो भी एक हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़े दो शर्मिंदा वाकया जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी ओसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके अहमदाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा,